सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस जी ब्लॉग्स 2.0 में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम बनाने वाले एक होममेड सॉफ्ट बॉक्स लाइट। दोस्तों मैंने देखा है, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी वीडियोस बनाने में, क्योंकि उसमें मुझे कैमरे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी। कैमरे क्वालिटी तो खैर मेरे फ़ोन की बहुत अच्छी है, बट एक लाइटिंग के कारण से वो क्वालिटी बहुत ही कम हो जा रही थी। तो दोस्तों मुझे ज़रूरत पड़ी एक सॉफ्ट बॉक्स लाइट की, तो मैंने घर पे ही बनाया है इस सॉफ्ट बॉक्स लाइट को। दोस्तों तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ इससे बनाने में कितनी मेहनत लगी और क्या क्या चीज़ें लगी मुझे बनाने में से। तो मैं ऐसा सारी चीज़ें आपको बनाकर दिखाऊंगा, और इसको मैंने बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बनाया है। मैंने कोई ताम झाम नहीं किया हुआ है, बिल्कुल बैठ कर अच्छे से ज़मीन पर बनाया हुआ है। दोस्तों अभी जो ये लाइट आप कैमरे में जो कैमरे क्वालिटी देख रहे हो, ये लाइट पीछे लगी हुई है जिसको मैंने बनाया हुआ है। तो मैं आपको मेकिंग प्रोसेस दिखाऊँ, उससे पहले मैं आपको ये लाइट दिखा दूँ। तो फाइनली दोस्तों ये रही वो लाइट, और इसे मैंने बहुत ही कम समय में बनाया हुआ है। तो आपको ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बहुत ही कम समय में बन गया, बहुत इजी बन गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आता है, 200 से 250 रुपये का। तो 200 से 250 रुपये में मैंने इसे तैयार कर लिया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे मार्केट में 2500-3000-4000 जाके बर्बाद ना करें, इसे घर पर ही बना लें, बहुत ही कम पैसों में ये तैयार हो जाता है। तो चलिए आपको इसे बना कर दिखाते हैं। इसे बनाने के चाहिए होगा मुझे ये कार्टून, और मैं इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ करूँगा, जैसे कि ये फॉइल पेपर, एक एलईडी बल्ब, एक होल्डर, फेविकोल, ये कटर जो कि मैंने नया मंगाया है स्पेशली इसके लिए, फेविक्विक एंड एक वाइट पेपर। ये पेपर आपको मार्केट में इजीली कहीं से भी मिल जाएगा, ये आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको इसे बनाने के लिए दोनों साइड से आपको कट करना होगा। आपको ऊपर का हिस्सा अगर आप 7 सेंटीमीटर रखते हैं, तो नीचे का हिस्सा आपको 15 से 16 सेंटीमीटर का रखना है, और दोनों साइडों को काट लेना है। पहले इसे आप मार्क कर लें, उसके बाद मार्क करके अच्छे से फिर कटिंग करें इसे। कटिंग करके आपको इसे 4 पीस काटना है, टोटल 4 पीस होंगे, उसके बाद ही ये जाकर आपका चारों कोनों में लग सकेगा। आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, मैं इसे कट कर रहा हूँ, अच्छे से इसको आपको कट करना है सफाई से, और इसको 4 पीस बनाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 पीस काट लिया है। अब इस चारों पीस को मैं अच्छे से लगाऊंगा टेप की सहायता से और गम की सहायता से। अब इस चारों कटिंग को हमें टेप की सहायता से अच्छे से चिपकाना है। इसे अब हमें सेलो टेप की सहायता से अच्छे से चिपकाना होगा, जिससे कि ये आपस में चिपक जाए अच्छे से। अभी ये रफली चिपका रहा हूँ मैं इसे, इसको आप फेविक्विक और फेविकोल की सहायता से अच्छे से बिल्कुल टाइट करेंगे अच्छे से, ताकि ये चिपक जाएगा। टेप से चिपकाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, इसे आप अच्छे से लगा कर देख लें कि ये चारों कोने से अच्छे से फिट हो गया है कि नहीं। और इसे अब मुझे सब कोनों से फेविकोल लगा के इसे चिपकाना होगा, और टाइट करने के लिए ऊपर से रफली टेप से चिपकाना होगा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। चलिए आपको मैं इसे तैयार करके दिखाता हूँ। अब ये अच्छे से चिपक चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके चारों कोनों को अच्छे से फेविकोल से चिपकाएंगे। तो चलिए इसे चिपकाते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस फॉइल पेपर की, तो चलिए इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, इससे आपको आगे की वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो अब हमें इस फॉइल पेपर को इसका नाप लेकर अच्छे से कट करना है। इसे टोटल 4 बार आपको कट करना होगा, तो आप इसे चारों कोनों में अच्छे से अब चिपका सकेंगे।
जिससे कि ये जो प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करके आपको तेज रोशनी देगा। तो चलिए इसे अब कट करते हैं दोस्तों। अब इसे कट करने के बाद हमें अच्छे से इसको पेस्ट करना होगा, इसे चारों कोने में आपको अच्छे से पेस्ट करना होगा फेविकोल की सहायता से। और इसे खींचिएगा नहीं, वरना ये टूट जाएगा, बहुत हल्का होता है। तो पेस्ट करने के बाद दोस्तों ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिसे आपको चारों कोनों में अच्छे से पेस्ट करना है बिल्कुल फेविकोल की सहायता से, ताकि ये आपको अच्छी प्रकाश दे और अच्छा रिफ्लेक्ट करे। आप इसे पीछे से कवर कर सकते हैं किसी चीज़ से। अभी मैंने इसको बिल्कुल सादा ही बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है इसका, बस मुझे रोशनी के लिए चाहिए। आप इसे और भी अच्छा बना सकते हो पीछे कवर करके। तो दोस्तों अब हमें इसे पीछे का कैप बनाएंगे। ये मैंने इसे काट लिया है, इसको मैं इस पर रख के देखूंगा नाप, और इसका दोनों कोने को मैं निकले रहने दूंगा, ताकि कभी ये फ्यूज वगैरह हो बल्ब तो हम इसे उठा सकें। तो पहले तो इसमें अब मुझे एक छेद करना होगा बीच में, ताकि इसमें होल्डर को हम फिट कर सकें। ये होल्डर है हमारा, इसको हम इसमें फिट करना है। तो चलिए इसे काटते हैं अब हम। इसे अच्छे से कट कर ले दोस्तों, और अब इसे फिट करके देखते हैं। तो फिट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसे निकाल लें और इस पे चलते हैं, फॉइल पेपर को चढ़ाते हैं। इसे अच्छे से मोड़ लें, ताकि ये थोड़ा सा प्रकाश ज़्यादा करेगा, इसकी चमक बढ़ जाती है इसे मोड़ने से। चिपकने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसे अच्छे से फिट करते हैं। अब मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब हमें इसे क्या करना है दोस्तों, फेविकोल से अच्छे से चिपकाना है। फेविकोल को अच्छे से चारों कोनों में आप पेस्ट करिए, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। इसे चिपकाने के बाद आप अच्छे से इसे टेप की सहायता से दोनों कोनों पर अच्छे से चिपका लें, ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। अब ये चिपक चुका है दोस्तों। चिपकने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब चलिए इसमें जल्दी से हम एलईडी बल्ब लगा लेते हैं। ये है एलईडी बल्ब, चलिए इसे फिट करते हैं। ये फिट हो चुका है दोस्तों। अब इसे फेविक्विक से अच्छे से इसका पीछे का हिस्सा चिपका लें हम, ताकि ये घूमे ना, निकले ना, फेविक्विक से ये अच्छे से चिपक जाए। अब ये चिपकने के बाद हम इस तार को इन दोनों सॉकेट में फिट करेंगे। तो चलिए इसे फिट करते हैं। फिट करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर एक हम गार्ड लगाएंगे, ताकि ये टाइट हो जाए और इसका कैप खींचने से निकले ना। अब हम इसका कैप लगा लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा सॉफ्ट बॉक्स लाइट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद ये आपको ऐसा दिखेगा। बस इसमें हमें ऊपर से कवर करने की ज़रूरत है, बस वाइट पेपर इसमें लगाना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे अब चेक करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेरी नाइस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी रोशनी कितनी ही तेज है। अब हम लगाएंगे इस पर दोस्तों वाइट पेपर। वाइट पेपर लगाने के बाद हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे फेविकोल की सहायता से। दोस्तों चिपकाने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों हमारी। अब आई टेस्टिंग की बारी, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी रोशनी कितनी ही अच्छी है। देख सकते हैं कितनी लाइट, कितनी ही तेज है, कितनी ही अच्छी है लाइट। आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। ये लाइट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये सॉफ्ट बॉक्स लाइट, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है। लगता है देखने में बड़ा इजी है, बन जाएगा, लेकिन इसमें मेहनत लगती है। तो ये बना बहुत अच्छा है दोस्तों, बिल्कुल ये देखिए। मैं इसको आपका बैक साइड दिखा सकता हूँ, इसमें सिल्वर फॉइल पेपर थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा,
तो इसे मैंने बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया हुआ है, आप इसे थोड़ा सा समय लेके बनाइएगा, अच्छे से बनाइए, टाइम टेकिंग होगा, बट मैं थोड़ा जिसमें जल्दीबाजी में इसमें सेलो टेप वगैरह का यूज़ किया हुआ है, वो भी ब्राउन यूज़ किया हुआ है, तो देखने में थोड़ा सा भद्दा टाइप का लग रहा है, लेकिन ये वर्क वही कर रहा है जो स्टैंडर्ड करता है, वही ये भी वर्क कर रहा है। मुझे कैमरे के पीछे रखना है ना कि कैमरे के आगे रखना है, तो कैमरे के पीछे रख के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा लग रहा है। दोस्तों इससे मैंने अब कैमरे के पीछे रख दिया है आपने, तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आपके प्यार का बहुत 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 ज़रूरत है मुझे, तो ऐसे ही सब प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।